खबर रत्रोलिया से है, जहां ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान बिलारी बढ़िया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन अक्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय थिरई पट्टी अत्रोलिया में मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता, अधिकार तथा सशक्तिकरण आदि विषय पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर स्कूल की बच्चियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसकी लोगों ने काफी सराहना की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रीति उपाध्याय, महिला कल्याण अधिकारी आजमगढ़ रही। कार्यक्रम का संचालन राजदेव चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, विशेषकर महिला किसानों को प्रगति में आगे आने वाली बाधाओं को संशोधित करना और स्थानीय नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिनके कार्य क्षेत्र विकास खंड अत्रोलिया के 15 ग्राम पंचायत के 20 गांव सम्मिलित हैं और इस कार्य क्षेत्र के कुल परिवारों की संख्या 3146 है। आइए सुनाते हैं कि अनु सिंह, जिला समन्वयक महिला कल्याण विभाग आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसमें यही प्रेरणा दी जा रही है महिलाओं को कि महिलाएं किसी भी स्तर से कम नहीं हैं। यहाँ महिलाओं को यही प्रेरणा दी जा रही है, वो घर हो या बाहर हो, किसी भी क्षेत्र में है, वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, किसी भी चीज़ से वो कम नहीं है। इसलिए उनकी जो स्वावलंबन है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, उनको बनाने के लिए ये एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि महिलाओं, सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सारी योजनाएं महिलाओं तक पहुंचे और महिलाओं उनकी जानकारी लें, भरपूर जानकारी लें, जागरूक बने और अपने अधिकारों को पहचाने। कोई संदेश देना है महिलाओं के नाम, आप बताइए इनके बारे में। हाँ, महिलाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझें, क्योंकि महिलाओं की आत्मशक्ति जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अगर चार पुरुष है, अगर एक महिला है, तो वहाँ उनकी आत्मशक्ति कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को हीन समझने लगती हैं। तो हमारा महिलाओं को यही प्रेरणा है, यही हम कहना चाहते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और उनका जो आत्मविश्वास है, अगर उनका आत्मविश्वास बना हुआ है, तो वो चार पुरुषों के बीच में भी बलवान कहेंगी।